हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने जनरल फर्टिलिटी रेट, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एंड टोटल फर्टिलिटी रेट एंड एक और फाइंड आउट करना था हमें कॉमन बर्थ रेट। ओके, सो इस टाइप के हमने दो सम आपको करवाए हैं, ठीक है। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपकी एग्ज़ाम में कई बार शॉर्ट सम भी पूछे जाते हैं, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आपके बुक में दिया गया है सम नंबर 26, और उसमें आपको कहा गया है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 2 लाख एंड ऑफ देम 45% आर फीमेल्स। ओके, एक सिटी है और उसकी पॉपुलेशन 2 लाख है, और एंड ऑफ देम यानी कि उसमें से 45% आर फीमेल्स। ओके, अमंग द फीमेल्स 48% आर इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, ठीक है। और उसमें से और उस फीमेल्स में से 48% फीमेल्स जो है वो क्या है, चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में है, ठीक है। इफ जनरल फर्टिलिटी रेट ऑफ द सिटी इज 35, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट विल बी बॉर्न ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। यानी कि अगर जनरल फर्टिलिटी रेट 35 हो, तो आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट विल बी बॉर्न ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट करना है। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने जितने भी सम देखे आपको करवाए हैं, उसमें हम नॉर्मली फाइंड आउट करते थे जीएफआर यानी कि जनरल फर्टिलिटी रेट, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एंड टीएफआर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट। बट इस सम में, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है जनरल फर्टिलिटी रेट दिया गया है, ठीक है, और नंबर ऑफ वुमन्स आपको दी गई है, और आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बी केयरफुल। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो यहाँ पे लिखूंगी। सो आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है टोटल पॉपुलेशन। ओके, एक सिटी का जो टोटल पॉपुलेशन जो है वो है 2 लाख। ओके, और उसमें से आपको कहा गया है 45% आर फीमेल्स। ओके, पॉपुलेशन कितनी है 2 लाख, और उसमें से 45% जो है फीमेल्स है। 45% यानी कि 90,000, ठीक है। 2 लाख का अगर 45% निकाले तो 90,000 जो है वो क्या है, फीमेल्स है। ओके, आपको इस तरह से कहा गया है कि एक सिटी की पॉपुलेशन 2 लाख है और उसमें 45% वुमेन्स है, ठीक है, फीमेल्स है। यहाँ पे फीमेल्स, टोटल फीमेल्स कितनी है, 90,000। और आपको कहा गया है यहाँ पे, देखिए, अमंग द फीमेल्स 48% आर इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, और उसमें से और उस फीमेल्स में से 48% फीमेल्स ऐसी है जो चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, टोटल फीमेल्स हमारे पास कितनी थी, 90,000, और इस 90,000 का 48% हम निकाले, ये जो वुमन्स है 48% अगर हम निकाले इसका, ये जो वुमन्स है 43,200, ये सारी जो फीमेल्स है वो क्या है, चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ज्यादा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप जीएफआर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, जीएफआर का फॉर्मूला क्या है, जीएफआर इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वुमन्स विच आर इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप एंड मल्टीप्लाई विथ 1000। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। अब आप गलती कहाँ पे करते हैं, देखिए, आप गलती करते हैं कि आप टोटल फीमेल्स जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है, बट आपको क्या करना है, जो वुमेन्स चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में होती है वही हमें कंसिडर करनी है,
ठीक है, क्योंकि GFR का जो फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला आपको हमने लिखाया था कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स विच आर इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप मल्टीप्लाई विथ 1000। ठीक है, तो इसमें आपको टोटल फीमेल्स ध्यान में नहीं लेनी है, आपको कौन सी फीमेल्स ध्यान में लेनी है, जो फीमेल्स चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न। सो यहाँ पे देखिए आपको GFR दिया गया है, तो हम GFR का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, GFR इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। जो फीमेल्स चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में है उसी को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए GFR आपको दिया गया था, कितना दिया गया है यहाँ पे देखिए 35। ओके, 35 आपको GFR दिया गया है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न आपको फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। ठीक है, अब चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में कितनी फीमेल्स है देखिए 43,200 एंड मल्टीप्लाई विथ 1000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 43,200 जो डिवाइड में है सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 35 के साथ, एंड 1000 जो मल्टीप्लाई में है अगर उसको सामने हम करेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाएगा, देखिए 35 मल्टीप्लाई बाय 43,200 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बर्न। ठीक है, चलिए अब इसका हम निकालेंगे तो 43,200 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 1000, तो इतने चिल्ड्रन जो है ड्यूरिंग द ईयर इतने चिल्ड्रन जो है बॉर्न हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट आ गई है, तो 1512 इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न। ठीक है, वैसे ये सम जो है एकदम इजी है क्योंकि आपको GFR दिया गया है, तो GFR का फॉर्मूला अप्लाई करके आपको फाइंड आउट करना है क्या नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न। ठीक है, बट आप गलती ये प्लीज ना करिए, क्योंकि आप कई बार जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि टोटल फीमेल्स जो है यहाँ पे लिखते हैं 90,000, बट ये गलत है, आपको सिर्फ लिखना है नंबर ऑफ फीमेल्स इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम दिखेंगे यहाँ पे। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज 24 लाख्स एंड इन द डिस्ट्रिक्ट देर आर 920 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ओके, एंड 50% ऑफ द फीमेल्स आर इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप्स, इफ जनरल फर्टिलिटी रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज 32, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट विल बी बॉर्न इन द डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। ओके, तो सो आपको इस समय क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे भी आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न। ठीक है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट सम है, किस तरह से डिफरेंट है वो भी आपको समझाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए सो फर्स्ट आपको यहाँ पे देखिए कहा गया है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज 24 लाख। ठीक है, आपको डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है वो दी गई है 24 लाख। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे सम नंबर 27 और आपको टोटल पॉपुलेशन दी गई है 24 लाख। ओके, देन आपको कहा गया है इन द डिस्ट्रिक्ट, ये लाइंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इन द डिस्ट्रिक्ट देर आर 920 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी कि इस डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि पर 1000 मेल्स में 920 फीमेल्स है, एंड
50% ऑफ द फीमेल्स आर इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, ठीक है, और उसमें से 50% जो फीमेल्स है वो चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में है, बट यहाँ पे देखिए आपके पास टोटल फीमेल्स जो है आपको नहीं दी गई है, तो सबसे पहले तो आपको टोटल फीमेल्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसके पर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी फीमेल्स जो है वो चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में है, ठीक है, वो बाद का क्वेश्चन है, ये 50% वाला जो है वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितनी फीमेल्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको कहा गया है कि पर 1000 मेल्स के हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट में 920 फीमेल्स है, ठीक है। चलिए अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए 1000 अगर मेल्स है तो सामने कितनी फीमेल्स है, 920 क्या है फीमेल्स है इस डिस्ट्रिक्ट में, क्या होता है कि 1000 मेल्स है तो सामने फीमेल्स कितनी है 920, ओके, हमारा टोटल पॉपुलेशन देखिए कितना है 24 लाख, ओके, तो देखिए हम इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अगर 1000 मेल्स है 920 फीमेल्स है, ठीक है, तो टोटल इसका कितना हुआ 1920, ठीक है, इसका टोटल कितना हुआ 1920, तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल अगर इन दोनों का टोटल मेल्स एंड फीमेल्स का टोटल 1920 अगर हो तो उसमें से 920 फीमेल्स है, तो अगर टोटल पॉपुलेशन 24 लाख हो तो उसमें से फीमेल्स कितनी, ठीक है, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमको लिखना है टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखेंगे फीमेल्स, ठीक है, एस, अगर टोटल 1920 हो तो एज फीमेल्स कितनी है 920, ओके, इन दोनों का अगर मेल्स एंड फीमेल्स का टोटल करें 1920 में फीमेल्स कितनी है 920, सो अगर टोटल पॉपुलेशन 24 लाख हो तो उसमें फीमेल्स कितनी है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है टोटल डिस्ट्रिक्ट की फीमेल्स, ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 920 डिवाइडेड बाय 1920, ओके, सो यहाँ पे फीमेल्स कितनी निकल के आती है देखते हैं, मल्टीप्लाई विथ कितना करना है हमें 920 डिवाइडेड बाय 1920, ओके, तो 11,50,000 जो है, 11,50,000 जो है वो क्या है टोटल फीमेल्स है, ओके, और उसमें से ये क्या है टोटल फीमेल्स है, और उसमें से कितनी फीमेल्स जो है 50% फीमेल्स जो है इसका 50% निकाले तो 5,75,000 जो है वो हमारी क्या है फीमेल्स है, फीमेल्स कौन सी फीमेल्स विच आर इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, यही हमारा काम का है, टोटल फीमेल्स हमारी काम की नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है उसमें हम कौन सी फीमेल्स लिखेंगे जो फीमेल्स चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में है वो, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए आपको जीएफआर दिया गया है, तो जीएफआर का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए पिछले सम में भी आपको जीएफआर दिया गया था और उसके पर से हमने फाइंड आउट किया नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, ठीक है, बट इस समय थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि आपको मेल्स एंड फीमेल्स का जो है रेशियो दिया गया था और उस रेशियो के हिसाब से आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है, तो कई बार इस टाइप का भी सम पूछा जाता है, ठीक है, अब काम जो है आपका इजी है, आपको क्या करना है जीएफआर का फॉर्मूला लिखना है, जीएफआर इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, ठीक है, चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप मल्टीप्लाई बाय 1000, ओके, सो जीएफआर आपको दिया गया है यहाँ पे 32, ओके, 32 इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न जो हमें फाइंड आउट करना है, ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप कितनी है 5,75,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, अब इसको हम सामने लेके जाएंगे तो 32 मल्टीप्लाई बाय 5,75,000 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, ओके, कितनी अमाउंट निकल के आती है, तो देखिए 32 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 18,400, ठीक है, 18,400
400 इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन वॉन, ये इसकी अमाउंट निकल के आएगी। ओके, तो अगर आपको इस क्वेश्चन में जो है ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को समझ के करते हैं तो ये काम जो है एकदम इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के सम जो है आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी सम है, देखते हैं कि आपके अगर करवाने जैसे हो तो हम उसको भी करवा लेंगे। ठीक है, तो देखिए सम नंबर 28 में आपको कहा गया है, अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस द वुमन पॉपुलेशन ऑफ एज 15 to 45 ऑफ अ स्टेट वॉज 65,30,000 इफ दिस लीव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर वर 6,25,000 फाइंड द जनरल फर्टिलिटी रेट। ये एकदम ईजी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है जनरल फर्टिलिटी रेट, और उसके लिए आपको दिया गया है नंबर ऑफ फीमेल्स, ओके 65,30,000, एंड यहाँ पे आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न भी दिया गया 6,25,000। दोनों जो है आपको दिया गया, सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करके जनरल फर्टिलिटी रेट जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या होगा, 6,25,000 डिवाइडेड बाय 65,30,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000। ठीक है, तो आपको जनरल फर्टिलिटी रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काम जो है आपका होमवर्क में है, होमवर्क करना है आपको। चलिए और भी हम सम देखते हैं कि अगर आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग हो तो वो हम कराएंगे। ठीक है, तो देखिए सम नंबर 31, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 3 लाख एंड ऑफ द 40% ऑफ आर फीमेल्स, 45% ऑफ टोटल फीमेल्स आर इन चाइल्ड बियरिंग एज, इफ द जनरल फर्टिलिटी रेट इज 32, एस्टिमेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट विल बी बॉर्न ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। देखिए हमने जो सम नंबर आपको करवाया था 26, ये सेम उसी टाइप का सम है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है होमवर्क में करना है, और देखते हैं आगे अगर कुछ न्यू टॉपिक हो तो वो हम करवाएंगे आपको। यस, सब नंबर 34, ठीक है, सब नंबर 34, जीएफआर ऑफ अ सिटी इज 40, ठीक है, एक सिटी का जो जीएफआर है वो 40 है, द प्रोपोर्शन ऑफ मेल ऑफ फीमेल्स इन द सिटी इज 8:6, 55% ऑफ द फीमेल्स आर इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 4,20,000, फाइंड द CBR ऑफ द सिटी। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे फाइंड आउट करना है CBR। ठीक है, CBR आपको फाइंड आउट करना है, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखिए CBR के लिए हमारे पास होना चाहिए नंबर ऑफ लीवर्स, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन तो हमारे पास है, बट हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन निकाले तो किस तरह से निकलेगा। चलिए, इसमें दो कैलकुलेशन है, सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको CBR फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सम नंबर 34 आपको इन्फॉर्मेशन जो भी दी गई है मैं यहाँ पे लिखूंगी, तो GFR इज इक्वल टू 40, ठीक है, एंड मेल फीमेल्स रेशियो, मेल फीमेल रेशियो इज 8.6, ओके, एंड 55% ऑफ द फीमेल्स आर इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, जो भी फीमेल्स है उसमें से 55% जो है वो चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप है, ग्रुप में है, और टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 4,20,000, देन फाइंड द CBR फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो अगर CBR हमें फाइंड आउट करना है तो हमारे पास दो वैल्यू होनी चाहिए, एक तो टोटल पॉपुलेशन जो हमारे पास है, और दूसरा जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न जो हमारे पास नहीं है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखिए आपको GFR दिया गया है। ठीक है, तो GFR का फॉर्मूला अप्लाई करके हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास
फीमेल्स होनी चाहिए, जो फीमेल्स चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि नंबर ऑफ फीमेल्स विच आर इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए आपको टोटल पॉपुलेशन दिया गया है 4,20,000, ठीक है। चलिए, और उसमें से आपको देखिए रेशियो कितना दिया गया है, मेल एंड फीमेल का रेशियो है 8:6, यानी कि मेल का रेशियो है 8 एंड फीमेल्स का है 6, ठीक है। तो अगर फीमेल्स फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल कितना होगा, 8 + 6 = 14, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो फीमेल्स है 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 14, 1,80,000, ठीक है। ये हमारे फीमेल्स निकल के आएगी, और उसमें से आपको कहा गया है 55% आर इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, ठीक है। तो 55% इसका कितना निकल के आता है, 90,000, 99,000, सॉरी 99,000 फीमेल्स आर इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, ओके, चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आपको एक रेशियो दिया गया है मेल्स एंड फीमेल्स का 8:6, यानी कि मेल का रेशियो है 8 एंड फीमेल्स का है वो है 6, ठीक है। तो अगर हमें फीमेल्स फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 / 14, यानी कि टोटल फीमेल्स जो है वो है 1,80,000, ठीक है। और उसमें से चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में है 55,000, सॉरी 55%, यानी कि 99,000, ठीक है। अब आपका काम जो है वो एकदम इजी है। अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन ड्यूरिंग द ईयर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला, जो पिछली कैलकुलेशन हमने की थी वही करेंगे, GFR इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स इन चाइल्ड बियरिंग एज, ओके, मल्टीप्लाई बाय 1,000। GFR आपको दिया गया है 40, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ही आप CBR फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 99,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000, ठीक है। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 99,000 डिवाइडेड बाय 1,000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, ओके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है आपका आता है 33,960, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, ठीक है। अब आपका काम जो है CBR का एकदम इजी है। सो यहाँ पे CBR देखते हैं कितना निकल के आता है आपका। तो CBR का जो है फॉर्मूला, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न डिवाइडेड बाय टोटल एवरेज पॉपुलेशन, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय 1,000। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न यहाँ पे आएगा आपका 3,960 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन जो था आपका कितना था, 4,20,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 1,000, ओके। चलिए इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000। सो यहाँ पे रेशियो जो है आपका 9.43, ठीक है। आपका जो रेट निकल के आता है 9.43, ये जो है आपका CBR है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर इसमें आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका यहाँ पे फिनिश होता है, क्योंकि अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मुझे, या तो फिर कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब जो भी इसमें बाकी सब है वो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।